कुमार रसोई मेरो वसम के स्वागत बाटे चली। आज हम लेके आई बारी आलू दम बनाए खातिर हम ये उबालल आलू ले लेले बारी। उबाल मतलब बॉयल आलू, तो उबाल के आलू के अच्छा से और ओकरा खातिर पहले से हम डाल देले बानी पोस्तो दाना ये 2 घंटा पहले फूले के, कहे कि कभी भी पोस्तो दाना 2 घंटा पहले फूले डाल दें तो अच्छा से फूल जाला, तो ओकरा के फुला के हम अच्छा से पीस ले ले बानी। तो चलिए खाती आलू के पहले काट के फ्राई कर लिया। आलू दम बनाए खातिर वह बड़ा साइज के आलू ली है 4 टुकड़ा, जब बड़ा साइज के बाद तो 4-4 टुकड़ा बड़ा बड़ा साइज में काट ली। ये हमने के तरफ फेमस सब्जी है आलू दम, कोई भी शादी ब्याह कोई भी पार्टी फंक्शन में आलू दम जरूर बनेगा, आलू दम के बिना कोई सब्जी ना अच्छा लगे। तो आलू दम एकदम परफेक्ट आलू दम जो लोग के बताएं कि कैसे बनावल जाला। तो चलिए पहले सब आलू के इसी तरीक़ा से हम काट लेता नहीं, चलिए तो सब आलू के हम अच्छा से काट ले बनी। अब आलू के फ्राई कर दिया। चलिए आलू फ्राई करे खातिर भूजे खातिर हम तेल डाल दे, हम तेल के अच्छा से गर्म होके दे हम। तेल अच्छा से गर्म हो गई बा, अब आलू एकरा में डाल दिए। तेल जब पूरा गर्म हो जाए तबे आलू के डाली ना तो आलू छिपके लगेगा। तो आलू के अच्छा से एकरा में भूज लेने के बाद जैसे लाल हो जाए आलू, चलते देखिए लाल हो गई एकदम, आलू भूज के इस तरीके से लाल हो गई देखिए अच्छा से। अब ये अच्छा से भूजा गई है, अब एक गैस के बंद करके अब मसाला भूज जाओ। चलिए मसाला भूजे खाते हम कढ़ाई बैठा दे ले बनी, इसमें डालम तेल, मसाला भुनाए भर तेल डाल दिए। तेल के अच्छा से जब तक ले गर्म ना हो जाए तब तक ले फोड़न ना डाले। चलिए तेल अच्छा से गर्म हो गई, अब इसमें डालम फोड़न। चलिए तो फोड़न हम ले ले बानी खड़ा गरम मसाला, पूरा जो गरम मसाला हो रहा खड़ा, वो खड़ा जीरा 1 चम्मच, हींग 1/2 चम्मच, 3-4 गो लाल मिर्च, लाल मिर्च अपना स्वाद के अनुसार डाल दी, ओकरा बाद तेज पत्ता, इस सब तेल में अच्छा से कड़क दे दे अच्छा से भूजे तब डालू। तो फोड़न हमारा अच्छा से ही कड़क गई बा, अब इसमें डालम कटल प्याज, कटल प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़े, प्याज के हल्का लाल होते तक ले भूज रहे, जब तक ये हल्का लाल ना हो तब तक ले भूज लेगा। चलते देखिए हमने के प्याज ऐसा होते के चाहिए लाल छौ के, अब कच्चा पर ना डालम ना ज़्यादा लाल करेंगे, वह एकदम हल्का थोड़ा सा लाल छौ हो जाए कड़कड़ा जाए किनारे किनारे तो समझिए कि रव प्याज थोड़ा सा भूजा गई बा। अब एकरा में डालम लहसुन अदरक हरी मिर्च के कूटल, कूट के डाले के बाद अब इन्हें के पीस के डाल दें थोड़ा सा कूटल डाले के बाद, अब एकरा के थोड़ा देर तक ले भूज ले हम। चलिए तभी 2-3 मिनट अच्छा से ही भूजा गई बा, अब एकरा में डालम हम सब मसाला, धनिया पाउडर 1 चम्मच, फिर लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गोल्की पाउडर, हल्दी पाउडर, सब मसाला के अच्छा से थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के भूजे के बाद टमाटर ना डालें क्योंकि गरम मसाले के टमाटर काट के रहेगा, तो अच्छा से करके भूज लेने के बाद मसाला के जब तक ले कि तेल अलग ना हो। चलिए तो देखिए हमी के मसाला तेल छोड़ दे लेगा किनारे किनारे, देखिए मसाला जब कढ़ाई छोड़ दी तेल छोड़ दे लेगा तो अपने आप खुशबू आवे जाएगा। तो देखिए मसाला अच्छा से भिजा गया, अब एक में डाला पोस्तो दाना ये जो पीस ले रहे हैं, एक 2-3 मिनट नमक डाल के भिजाई स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे अच्छा से करके भूज लेगा। भूजते हम तो यह हल्का सा तेल छोड़ती अच्छा से भूजा देगी, अगर पोस्तो दाना ना होके तो काजू के पेस्ट भी रोगा डाल सकते हैं।
चलिए तो हमने के आलू अच्छा से भुजा गए, मसाला भुजा गए बा। अब जो आलू हम फ्राई के ले रहे हैं वो आलू हमें डाल देंगे मसाला अच्छा से जब भुजा जाएगा। भुजा के एक रंग में मसाला अच्छा से फेंट ले जाता हूँ। अब चलिए एक रंग में हम डालम रास्ता के हिसाब से ग्रेवी के अनुसार पानी, जितना हम रहे ग्रेवी रखे के बाद ज़्यादा पतला ग्रेवी ना रहेला, आलू दम में गढ़ा रहेला, तो थोड़ा सा पाके खाती ज़्यादा पानी डालम ना तो कम डालम, जितना ग्रेवी चाहिए उतना। अब सब चीज़ हो जाए जैसे खोले के चले वैसे हम एक चम्मच गरम मसाला डालम, एक चम्मच भर के, एक चम्मच घर के होके कूटल होके अच्छा क्वालिटी के होके। अब गरम मसाला एक रखे मसाला भूंजा लाना ना तो खुशबू और एकर स्वाद दोनों ख़त्म हो जाला भूंजला पे। अब एक रखे मिक्स कर दिया है, अब एक रखे ढक दिए, अब अच्छा से एक रखे पाके दिए। चलिए तो देखिए हमनी के सब्जी तैयार हो गई आलू दम, अब गैस के बंद कर दिया। देखिए तो ऐसे ही ग्रेवी होके के चाहिए, पतला ना रसा होके के चाहिए, एकर गाढ़ा रसा होके के चाहिए आलू दम। हिरोआ हाथी का पूड़ी या तो छोटा वाला पूड़ी से खाए। गैस के बंद करी अब निकाल के लगा के दिखाओ तर। चलता आलू दम के हमारे देखी ली कैसा बनल, अच्छा बनल बा, बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब लगे। आलू दम कभी भी रोटी पराठा चपाती कोई चीज़ के साथ, ज़्यादातर हाथी का पूड़ी के साथ हमने देने खाई देना, तो वो कभी भी खा के देखो बहुत टेस्टी बनल बा। आ जे तरीका से बनेले बनी एक तरीका से ट्राई जरूर करो। उम्मीद करते तनी हमारे रेसिपी रो रोक के अच्छा लगा तो कि हमारे रेसिपी के देख के कमेंट जरूर करो, हम तब पता चल जाए कि हमारे रेसिपी कैसन बनल बा। तो चलिए फिर मिलम एक नया रेसिपी के साथ और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो आलू दम की रेसिपी हमार कैसा लागल कमेंट करके जरूर बताएँ जा। हमार रेसिपी देखे खातिर वह सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएँ एक नए रेसिपी के साथ और मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज के रेसिपी हमार आलू दम।